Assalamualaikum and good morning everyone. This is me Adi Khan. Welcome back to my channel. सुबह के हो रहे हैं 1:30 बज रहे हैं, सुबह नहीं दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, और अब हम सोच रहे हैं कि यार निकलें ज़रा, शो सर पे है भाई और पाकवीज का शो, और गाड़ी की तैयारियां जो हैं, यू नो प्रोजेक्ट कार जो होती है वो कभी भी रेडी नहीं होती। मेरा मुंह सूजा सूजा आ रहा होगा आपको, अभी वो वाला सीन है, सुती उठियाँ वाला सीन है। तो वो खड़ी है अपनी गाड़ी, ये कपड़े के अंदर किधर की ये वाली है सिल्वर कपड़े वाली, वो खड़ा अपना टार्जन ये, और टार्जन हम जब से टार्जन आई है ज़िंदगी में तो कालो पे कपड़े के अंदर ही रहती है। तो अभी इसको ज़रा निकालते हैं इसके कपड़े में से, इसके कपड़े उतरते हैं और आपको बाकी की चीज़ें क्लोजअप शॉट्स दिखा दूँ जो बॉडी किट पेंट हुई है। ये है हमारा रूफ स्पॉइलर जो हमारे ज़हूर भाई ने पेंट किया था, इसमें थोड़े से मुझे ऐप नज़र आ रहे हैं, जैसे ये देखिए ये पिन होल्स हैं इसमें छोटे छोटे से, तो वो सही करवाने देने हैं। प्यारी 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 प्यारी, प्यारी सी जान चीज़ भूल गए, वो जाके लेके आते हैं। जो मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं ना मियाँ सभी, उन्होंने मुझे गिफ्ट भेजा था, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। पहुँच गया कहने हान टायर्स, हमारे बहुत प्यारे भाई हैं अशमत लाला। अभी यहाँ पे गाड़ी जो समी भाई ने हमें गिफ्ट भेजा है ना वो हो रहा है, मतलब कैम्बर हो रही है गाड़ी ब्रो। ये हमारे अशमत लाला हैं, अशमत लाला हो रही, ये ब्लॉग बना रहा हूँ ना यूट्यूब का, किधर यूट्यूब पर भी डालूंगा। अच्छा हाँ, तो हमारे अशमत लाला हैं, इनकी शॉप है रेहान टायर, जब भी आपको टायरों वायरों का रिम टायरों का कोई भी काम हो अशमत लाला मेरे नाम से जो भी आएगा अपने स्पेशल डिस्काउंट। डन हो गया, डन हो गया जी। देखिए यहाँ चेक पे चढ़ाई जा रही है हमारी गाड़ी, ये बढ़िया है हमारी थैंक यू मियाँ समीर भाई फॉर दिस ब्यूटीफुल कैमरा, अभी इंस्टॉल करके देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। यार एक्साइटमेंट तो बहुत है मुझे, देखते हैं अब अल्लाह मालिक है। ये हमारा 10 GJ का रिम, हमारी असल में छत लोग समझ रहे होंगे, आप लोग कह रहे होंगे कि यार ये काली गाड़ी पे काला पेपर ही क्यों करा रहे हैं। तो मेरी गाड़ी जो है वो बोनट डिग्गी और छत जो है वो इसकी ओरिजिनल है, तो वो फेड हो रही थी। मैंने अभी पेंट कराने का मेरा मूड नहीं था, तो मैंने सोचा कि यार हम इसको पेपर करवा लेते हैं। तो अभी पेपर हो रहा है इसका ताकि थोड़ा फ्रेश सी हो जाए गाड़ी, फिर तो उसके बाद इसको ये देखो ना यार ये क्या गंदा निकल आया, एक सरप्राइज़ है, ये एक बहुत पुराना सरप्राइज़ है, फिर वाजिया हो गया ये। ये हिसाब है ना, कुछ साइन नहीं आ रही है, लेमिनेशन उतरेगी ना कुछ साइन पे चलना, 0 मीटर का तो दिया है, 2 different stories। हाँ उस्ताद, सारी एनर्जी चलेगी फिर आपकी। जी भाई ये मिट्टी इस तरह निकली जैसे पुरानी हवेली के दरवाजे नहीं खुलते। असल में एक चेचिस के अंदर है ना मिट्टी। अब क्या कहते हैं आप, चेचिस कटवा दूं मैं? नहीं सर्विस होगी बस। ये सारी हुंजा की मिट्टी है, इसमें कैम्बर हो चुकी है ये, अब ये ड्रॉप होगी तो बात कैम्बर पता लगेगा। अब तौर पर मैं नहीं लगा जैसे इसका डर था ना वो नहीं अभी तक, तो बाकी उतरने के बाद देखते हैं इसका। ये कैम्बर्ड यहाँ से भी और ये यहाँ से, अब ये उतरेगी तो सही से पता लगेगा। तो कैम्बर हो गई है, हाय 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 हाय। कालो बेगम के काम हो गए हैं सारे, कैम्बर हो गई है, अलाइनमेंट सेट हो गई है, टो इन आउट यो मैन हो चुका है। ये देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं, ये वहाँ प्रॉपर बस इसके अंदर। अब कराची का मसला है एक, वरना मैं इसका ये हल भी करा दूँ। ये देख रहे हैं ये फेंडर टू लिप वाली फिटमेंट बैठ सकती है इसके अंदर अगर मैं इसको और ड्रॉप करूँ, बस ड्रॉप नहीं हो पाती, क्यों कराची थिंग्स ब्रो, कराची के अंदर रहते हैं हम। और बाकी ये अपनी टार्जन आज वो दोनों साथ साथ खड़ी हुई है, अब फ़र्क देखें आप खोता वर्सेस घोड़ा
सारे काम शाम हो गए हैं गाड़ी के, गाड़ी ऑल सेट है, रेडी है। अब क्या कहते हैं, बस डिटेलिंग शिटेलिंग रह गई है, थोड़ी सी वो करवानी है और बाकी रहेगी बात अपना थक गया यार, बाकी रहेगी बात कैम्बर शैम्बर की, कैम्बर होगी है, कुछ खाएंगे और व्लॉग एंड करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। काम शाम करा करू के अब हम वापस घर जाए, घर गए थे तो मामा ने कहा कि भूख लग रही, गैस वैस नहीं आ रही, सो कॉल्ड विंटर थिंग्स। तो अब हम पहुँचे हैं बोर्ड बेसिन, यहाँ पे हम हैं वाखा शिनवारी और ये भाई हैं जो ओन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है, जबरदस्त। क्या बना रहे हैं? बस आज तो माँ जी आया इसके लिए स्पेशली मैं दाल मखनी बना रहा हूँ, सदके। ठीक है, और आप लोगों के लिए जो मटन बनाऊंगा और चिकन चर्सी आपको और एक मलाई बूटी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो माल की देर तो इतना कौन खाएगा? ये आप मुझे लगता है इसकी सेहत देख के आप बोल रहे हैं। दिखाएं जरा, दर्शन कराएं थोड़ी सी दाल। ये तो दाल है, मां जी के लिए फ्रेश दाल बनाऊंगा। आप लोगों को भी यार, रात कब तक खुले होते हैं आप? 24 घंटे भाई, 24 घंटे बोर्ड बेसिन पे आप जब आते हैं ना, ये सामने बेनजीर भुट्टो पार्क लगता है, शहीद पार्क, उसके बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे आप जब टूवर्ड्स बिलावल चुरंगी जा रहे होते हैं, इनका रेस्टोरेंट जो है आई होप फ्रेम में आ रहा होगा यहाँ पे, तो उनके बिल्कुल रोड के ऊपर मेन पे बोर्ड बेसिन पे इनका है वाका शिनवारी। ये देखें मेन्यू में इनके पास बड़े मज़े मज़े की चीज़ें हैं यार, वाका शिनवारी देसी ग्रिल एंड बारबेक्यू। इधर से शुरू होते 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 तो यहाँ तक सिर्फ ये बारबेक्यू है, लेटर्स हैं, रोल्स, फुल बकरा पर्जियन स्टाइल की, हमारे जब पठानों में फेवरेट चीज़ होती है दम्पो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और बड़े मज़े का यार सीन पार्ट है यहाँ पे। तो अभी ज़रा खाना वाना आ जाए तो आपको ज़रा दिखाता हूँ कि कैसा है। बाजी आपकी टांगे नज़र आ रही हैं, बाजी बाजी देखो ना, आलू बुखारा नहीं ताज़ा, चपली कबाब भी ताज़ा बनता है यहाँ पे भाई। ये दाल है हमारी, इसमें क्या क्या रह गया? अच्छा वो है, तैयार हो गई, तैयार हो गई, जब उधर रंग दूंगा तेरे। बस जबरदस्त जबरदस्त, अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब भूखा। आगे की सीट लो अपनी तरफ भाई, सभी अपना हाथ ऐसे रखें इसके ऊपर, इसके हाथ बराबर तो आंटी यही है तो अकेला फोड़ फाड़ देगा। ना ना यार, अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करो इसकी, बस इधर दिखाओ, दाल दिखाओ यार, वैशी गरम है, क्यों खाऊं मैं? यार चपली कबाब भी आ गया, क्या दूँ आपको? नान चपली कबाब पे अभी हम डालेंगे। ये गरम नहीं है बेटा, खुली तो नहीं है ना, ये गरम ला दो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये आ गया जी मलाई बोटी, सीख कबाब, प्याज टमाटर, ये रायता वायता, हरी मिर्च। दुआ दिखाओ, कहाँ निकल रहा? क्या बात है सर, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।